सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। जब बेशर्मी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो तब इस तरह के बयान आते हैं। किस बयान की मैं बात कर रहा हूं, आइए मैं बताता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं राम माधव, वह कह रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते कुछ 10% ही मजदूर थे जो सड़कों पर जा रहे थे, 90% मजदूर और जो माइग्रेंट लेबर थे वह लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि लॉकडाउन कब हटाया जाएगा। तो वह 10% लोगों को अब अलग कर रहे हैं, जो कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि एक तबका बता देना, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, राम राज्य, इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना, हिंदू खतरे में हैं, मुसलमान की आबादी इतनी बढ़ जाएगी, लगातार आप लगातार ये देखते रहेंगे। अब कहा जा रहा है वह 90% मजदूर अंदर ही थे, कुछ अंदर भी होंगे, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सब बाहर निकल आए थे, लेकिन जिस तरह मुंबई के स्टेशन में एक भीड़ देखी गई थी जिसको खुद गोदी मीडिया के लोगों ने प्रचार और प्रसार किया था क्योंकि बगल में एक मस्जिद थी और कहा गया था मुस्लिम धर्म के साथ जोड़ा जा रहा था, वह एक उदाहरण और भी सामने आ जाता है यहाँ पर जो फूट डालने की कोशिश लगातार की जाती है। तो अब कहा जा रहा है वह 90% लोग अंदर थे, 10% लोग थे मध्य प्रदेश के बॉर्डर और महाराष्ट्र के बॉर्डर में, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, क्या ये 10% लोग थे? आप बताएं, लोगों की जान चली जा रही है। अब भी जब ट्रेनें चल रही हैं श्रमिक, कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? वे वही लोग हैं जो जाने में असमर्थ थे। कुछ लोग ये थे कि इनमें हिम्मत थी कि हम जा सकते हैं, कुछ लोग अपने कमरे में पड़े पड़े दम तोड़ रहे थे, मकान मालिकों ने जिन्हें निकाल दिया था तो वह सड़कों पर भी दम तोड़ने के लिए तैयार थे, पत्ते खाते हुए देखा गया लोगों को, कितनी तरह के वीडियो वायरल हुए। तो आपको क्या लगता है, जब बेशर्मी हद से बढ़ जाती है तभी इस तरह के बयान आते हैं, या फिर यह जो महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के राम माधव, तो क्या इनका कहना सही है? आप यह बताएं इस संबंध में कि राम माधव जो कह रहे हैं कि 90% लोग अंदर थे और 10% लोग ही बाहर निकले थे, क्या ये बेशर्मी की हदें पार हो चुकी हैं? आपकी राय महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।